मंगलम सर्वमंगलम नक्षत्रमंगलम अलंकारमंगलम रतनलाल सिंह बाफना ज्वेलर्स भारतवर्ष का स्वर्ण तीर। जलगांव के पहले कोरोना मरीज के हाथों से किया गया ध्वजारोहण, जहां पर जिले के पहले कोरोना वायरस के मरीज एवं उसे हराने वाले योद्धा मौलाना फिरोज शेख के हाथों से कोविड सेंटर पर ध्वजारोहण किया गया। शायद भारत का ये पहला मामला होगा जहां पर इस तरह का उपक्रम कर कोरोना से जीत कराए जांबाज का सम्मान भारत के राष्ट्रध्वज को उसी के हाथों से सम्मान देकर किया गया। लेकिन जैसे ही मुझको डॉक्टर्स की टीम ने सपोर्ट किया और जो है मेरा देखभाल किया गया, मेरा ट्रीटमेंट किया गया और मुझको सबसे ज़्यादा हिम्मत अफजाई की गई, मेरा दिल बहलाने का भी काम किया गया जिसके अंदर मुझको बहुत सपोर्ट मिला और उस सपोर्ट की वजह से मेरे को मेडिसिन भी काम कर गई और मेरे को हिम्मत भी मिली और मैं जो तो तंदुरुस्ती की तरफ बढ़ता गया। पूर्व मंत्री विधायक गिरीश महाजन के इलाके से उनके ही कोविड सेंटर पर इस तरह से ध्वजारोहण कर 15 अगस्त अर्थात स्वतंत्रता दिवस पर एक अनोखी मिसाल पेश की है। इस दौरान वहां जांच पड़ताल समिति के सचिव एवं अपर जिलाधिकारी गाडिलकर के साथ सामाजिक कार्यकर्ता गनी मेमन, अरविंद देशमुख, कुणाल पवार समेत कई कार्यकर्ता मौजूद थे। कार्यक्रम की सफलता के लिए सेंटर के डॉक्टर्स एवं कर्मचारियों ने परिश्रम किए। जलगांव से धर्मेंद्र के साथ आनंद शर्मा की रिपोर्ट, इंडिया अब तक न्यूज के लिए। हे गाइस, ताजा खबरों के लिए लाल बटन दबाकर सब्सक्राइब करें और तुरंत खबर पाने के लिए घंटी के बटन को दबाएं।